नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। 26 जनवरी को देश में होने वाला कार्यक्रम हम सब बचपन से देखते आ रहे हैं। इसमें परेड होती है, अलग अलग राज्यों द्वारा उनके राज्य की झांकियां निकाली जाती हैं, साथ ही विदेशों से चीफ गेस्ट बुलाए जाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि विदेशों से आने वाले इन चीफ गेस्टों को कैसे चुना जाता है, कैसे ये तय किया जाता है कि इस बार भारत के गणतंत्र दिवस पर किस देश को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जाए। आइए आज की वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। भारत इस बार 26 जनवरी को अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, जिसके लिए चीफ गेस्ट के तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इम्यूनल मैक्रोन को बुलाया जा रहा है। आइए अब जानते हैं कि गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट कौन होगा, इसका फैसला कैसे होता है। गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट कौन होगा, इसका फैसला लेने के लिए 6 महीने की लंबी प्रक्रिया होती है। इसमें पहले विदेश मंत्रालय कुछ देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम की एक लिस्ट तैयार करता है, फिर वो लिस्ट प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजी जाती है और वो लिस्ट को अप्रूवल देते हैं। अप्रूवल के बाद उन देशों से बात करके ये पता करा जाता है कि कौन 26 जनवरी को चीफ गेस्ट के तौर पर उपस्थित हो सकता है और कौन नहीं। देशों की लिस्ट भारत के साथ उनके राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य और व्यापारिक रिश्तों के आधार पर बनाई जाती है। चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित करना उस देश की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के रूप में देखा जाता है। इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति इम्यूनल मैक्रोन चीफ गेस्ट के तौर पर भारत आ रहे हैं। उनके साथ फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेक्रूनो, वित्त मंत्री ब्रूनो ली मैरी, विदेश मंत्री स्टीफन सेजियोर्ने भी आएंगे। गणतंत्र दिवस पर भारत क्यों बुलाता है मुख्य अतिथि। 26 जनवरी 1950 को भारत ने पहला गणतंत्र दिवस मनाया था। ब्रिटिश हुकूमत खत्म होने के बाद देश पहली बार अपना गणतंत्र दिवस मना रहा था, जिसको लेकर देशवासियों में बेहद उत्साह था। इस बेहद खास दिन को और खास बनाने के लिए चीफ गेस्ट बुलाए जाने की योजना बनाई। तब देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकार्नो को मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया। तभी से गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट को इनवाइट करने की ये परंपरा चली आ रही। कौन कौन से साल मुख्य अतिथि के बिना मनाया गया गणतंत्र दिवस और उसकी वजह क्या थी। अब तक 5 बार ऐसा मौका आया है जब मुख्य अतिथि के बिना गणतंत्र दिवस मनाया गया है। ऐसा होने की वजह अलग अलग। साल 1952, 1953, 1966, 2021 और 2022 में गणतंत्र दिवस पर कोई मुख्य अतिथि नहीं आई। साल 1966 में 11 जनवरी को तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हुआ था। वे उस समय ताशकंद समझौते के लिए सोवियत संघ के शहर ताशकंद में गणतंत्र दिवस से 3 दिन पहले 23 जनवरी 1966 को न्यूक्लियर साइंटिस्ट होमी भाभा का भी निधन हुआ था। साल 2021 और 2022 में कोरोना वायरस महामारी की वजह से गणतंत्र दिवस पर कोई मुख्य अतिथि नहीं आए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।